हेलो दोस्तों, मैं हूँ बंटी कोहली और अपने चैनल बंटी कोहली स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको गाउस का नियम बताऊँगा जो कि क्लास 12th की फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ये लगभग बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। गाउस का नियम, निर्वात में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का कुल मान उस पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों, ये थ्योरी आपको समझ आई या ना आई, लेकिन एक डायग्राम के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र लग रहा है इस तरह से, ये बाहर बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो फ्लक्स होता है वो E.ds होता है, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स इस सूत्र से निकालते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन जो गाउस थे, उन्होंने इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया कि इसके अंदर इसका जो आवेश है, टोटल आवेश यानी कि समेशन ऑफ क्यू, जितना आवेश है, और 1/ε0 यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको दोस्तों, और हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। समेशन समेशन ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाई 1/ε0। तो दोस्तों, ये जो रिजल्ट आता है Q/ε0, इसी को हम दोस्तों विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी गाउस की थ्योरम या नियम कह सकते हैं एक तरह से। तो दोस्तों, यही हमने लिखा है कि विद्युत फ्लक्स बराबर ε0 समेशन ऑफ क्यू अपॉन ε0, और जो ε0 है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। दोस्तों, मान लो ये तो इसका नियम है। अब हम कूलाम के नियम से क्या जानते हैं कि 1/4π εo को हम के लिखते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम 4π को इधर ले जाएंगे तो ये दोस्तों बन जाएगा 1/ε0 बराबर 4π के। तो दोस्तों, 1/ε0 की वैल्यू 4π के बराबर है अगर दोस्तों हम इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज कर लें, 1/ε0 की नोट वैल्यू यहाँ पर यूज कर लें, तो दोस्तों जो गाउस का नियम है वो इस प्रकार हो जाएगा कुछ। φ समेशन ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाई 4π k, यानी कि Q 4π k। दोस्तों, अब इससे फायदा हमें ये हुआ, क्या हुआ कि हमें k की वैल्यू मालूम है। k की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, K=9×10⁻¹। बट हमें दोस्तों मालूम तो ε0 की वैल्यू है, लेकिन वो ε0 की वैल्यू थोड़ी 8.85 इस प्रकार से, तो मल्टीप्लाई थोड़ा ज़्यादा करना पड़ जाएगा, तो एक बेहद सी चीज़ आ जाती है दोस्तों। इससे थोड़ी सुविधा हो जाती है कैलकुलेट करने में क्वेश्चंस को। दोस्तों, खैर आप किसी भी मेथड को यूज करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, आपको ये मेथड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।